नमस्ते बच्चों, आप सभी का यहाँ पर इस वीडियो क्लास में स्वागत है। तो बच्चों, आज हम यहाँ पर व्याकरण भाग का विशेषण, व्याकरण भाग का विशेषण के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी कि एडजेक्टिव। आज का ये तीसरा भाग है बच्चों, आज का ये तीसरा भाग है। पहले भाग में हमने विशेषण के बारे में, यानी कि विशेषण की व्याख्या या फिर उसकी परिभाषा के बारे में जान चुके हैं, उसके भेदों के बारे में जान चुके हैं। तो यहाँ पर विशेषण के कितने भेद हैं बच्चों? विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के चार भेद होते हैं। हाँ, तो समझ में आ गए ना? विशेषण क्या किसे कहा जाता है? विशेषण किसे कहा जाता है? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को। संज्ञा यानी के नाउन, संज्ञा यानी के नाउन। नाउन यानी के क्या है? हमारे आसपास जो भी चीजें आते हैं उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। पर्वत, पेड़, त्योहार, दिन, महीना, हाँ, व्यक्ति, वस्तु, ये सभी क्या हैं? संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जो भी हमें चीजें दिखाई देते हैं हमारे आसपास या हमारे सराउंडिंग में, जो भी हमें दिखाई पड़ते हैं वे सभी क्या हैं बच्चों? संज्ञा कहलाते हैं। तो सर्वनाम क्या है? सर्वनाम क्या है? सर्वनाम के अंतर्गत क्या आते हैं? जब भी हम किसी व्यक्ति का नाम लेते हैं तो उस व्यक्ति का नाम हर बार हर वाक्य में नहीं लिया जाता, उसे हम क्या कहते हैं? गीता खाना खा रही है, गीता स्कूल जा रही है, गीता खेल रही है। तो हम क्या करते हैं? गीता गीता गीता, हर वाक्य में गीता का नाम यहाँ पर उपयोग किया जाता है। उसके बदले में हम क्या करते हैं? सर्वनाम का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर गीता खाना खा रही है, वह स्कूल जा रही है, वह खेल रही है। वह क्या है बच्चों? ये सर्वनाम है। वह क्या है बच्चों? वह सर्वनाम है। सर्वनाम के अंतर्गत वह, यह, ए, वे, कौन, कहाँ, किधर, ये सभी आ जाते हैं। तो यहाँ पर विशेषण क्या है? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता को बताते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के शब्दों के विशेषता को बताते हैं। ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं बच्चों? विशेषण कहलाते हैं। तो मैंने आपको उदाहरण के द्वारा इसे समझा चुकी हूँ बच्चों। तो यहाँ पर विशेषण के दो भेदों के बारे में भी आप जान चुके हैं। पिछले क्लास में दो भेदों के बारे में भी आप जान चुके हैं। पहला भेद कौन सा था बच्चों? पहला भेद गुणवाचक विशेषण। पहला भेद कौन सा था? गुणवाचक विशेषण। इसके बारे में भी आप अध्ययन लास्ट क्लास में कर चुके हैं। दूसरा भेद कौन सा था? संख्यावाचक विशेषण। दूसरा भेद कौन सा था बच्चों? संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के भी दो भेद किए गए हैं बच्चों। संख्यावाचक विशेषण के भी दो भेद किए गए हैं। कौन कौन से? निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो लास्ट क्लास में इसके बारे में भी हम अध्ययन कर चुके हैं। समझ में आ गया है ना बच्चों आपको विशेषण के बारे में या विशेषण के भेदों के बारे में? हाँ, अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर पूछ सकते हैं। ओके, तो आज आगे बढ़ते हैं बच्चों। आज हम परिमाणवाचक विशेषण के बारे में जानेंगे। तीसरा भेद कौन सा है बच्चों? परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण के बारे में आज के इस क्लास में हम अध्ययन करेंगे, यानी कि ये क्या है बच्चों? ये तीसरा भेद है, विशेषण का तीसरा भेद है। तो परिमाणवाचक विशेषण को क्या कहते हैं या परिमाणवाचक क्या है? परिमाणवाचक की परिभाषा क्या है? क्या कहते हैं परिमाणवाचक यानी के? जो शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों के, जो शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों के परिमाण यानी के अर्थात नापतोल तथा मात्रा की जानकारी दें। नापतोल यानी के मेजरमेंट,
नाप तो लेने के मेजरमेंट, जैसे कि हम तेल को नापते हैं, चावल को नापते हैं, गेहूं को नापते हैं, है ना, मीटर यानी कि कपड़े को नापते हैं, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, नाप तोल कहते हैं, मेजरमेंट। तो परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा क्या है बच्चों, जो शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम, जो शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों की, सर्वनाम शब्दों के परिमाण को यानी के अर्थात नाप तोल तथा मात्रा यानी के ये कितना है ये कितना नहीं है, ये जानकारी क्या देते हैं, परिमाणवाचक विशेषण में हमें मिलती है। तो ऐसे जानकारी देने वाले दे उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ऐसे जो जानकारी देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जो संज्ञा शब्द या फिर संज्ञा या फिर सर्वनाम शब्दों के क्या करते हैं, नाप तोल के बारे में हमें जानकारी देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ओके, तो लिख लो बच्चों इसकी परिभाषा, परिमाणवाचक की परिभाषा क्या है, जो शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों के परिमाण अर्थात यानी के नाप तोल तथा मात्रा की जानकारी दें उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। समझ में आ गया ना बच्चों, परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण जो शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम, जो शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों के परिमाण को यानी कि मेजरमेंट को, परिमाण अर्थात यानी कि यहाँ पर मीन्स परिमाण मीन्स नापतोल, मेजरमेंट उसकी मात्रा कितनी है, ये सभी हमें जानकारी देते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि इनके साथ यहाँ पर इसके साथ अधिकतर नापतोल का सूचक शब्द जुड़ जाता है, नापतोल लेने के मेजरमेंट, तो क्या बोलते हैं, किलो के तौर पर, मीटर के तौर पर जिसे नापा तोला जाता है उसे हम क्या कहते हैं, मेजरमेंट या फिर नापतोल कहते हैं। तो उदाहरण से हम इसे जानने का प्रयास करेंगे बच्चों, उदाहरण जैसे कि यहाँ पर क्या लेंगे हम, एक किलो मटर और एक दूसरा, एक किलो मटर, दो आम, एक किलो मटर और क्या है यहाँ पर, दो आम है, तो यहाँ पर दो उदाहरण दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर मटर के लिए क्या किया गया है, एक किलो का उपयोग किया गया है। मटर हम किस तरह नापतोल कर सकते हैं, किलो से,
है ना, केजी, केजी के मुखांतर हम क्या करते हैं, किलो से उसे मटर को लेते हैं। एक किलो मटर दो, आधा किलो मटर दो। तो यहाँ पर मटर के लिए क्या कहा गया है, एक किलो मटर के लिए एक किलो का यहाँ पर उपयोग किया गया है। आम के लिए दो आम, आम के लिए क्या किया गया है, दो का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर मटर के लिए एक किलो और आम के लिए दो, यानी कि हमें कंफर्म है। ये कितने किलो का है मटर, एक किलो का मटर है। आम कितने हैं, आम कितने हैं, दो हैं। तो यहाँ पर मटर के लिए एक किलो का और आम के लिए क्या किया गया है, दो। ए नाप तोल है, तो किलो यानी कि इसे नाप तोल से किया जाता है, नाप नाप तोल यानी कि मेजरमेंट, किलो केजी आधा किलो है ना। तो यहाँ पर आधा किलो, किलो क्या है, ये नाप तोल है। ये दो क्या है, मात्रा, कितनी मात्रा है, आम की कितनी मात्रा है, दो मात्रा। तो दो हैं आम, कितने हैं, दो हैं। मटर के लिए एक किलो का और आम के लिए दो का उपयोग यहाँ पर किया गया है, जिसे हम क्या कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो परिमाणवाचक के, परिमाणवाचक विशेषण के भी दो भेद होते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के भी क्या होते हैं, दो भेद होते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के भी दो भेद हैं। परिमाणवाचक विशेषण के भी कितने भेद हैं बच्चों, परिमाणवाचक विशेषण के भी दो भेद हैं। तो कौन सा है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, पहला भेद कौन सा है, निश्चित परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, और दूसरा अनिश्चित, अनिश्चित परिमाण, परिमाणवाचक विशेषण। ओके, समझ में आ गया ना, परिमाणवाचक विशेषण के भी कितने भेद होते हैं बच्चों, परिमाणवाचक विशेषण के भी दो भेद होते हैं। पहला भेद कौन सा है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, और दूसरा भेद कौन सा है बच्चों, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या है, पहला भेद क्या है, निश्चित, शॉर्ट में हम इसे जानने का प्रयास करेंगे बच्चों, निश्चित परिमाण वाचक विशेषण किसे कहते हैं। तो यहाँ पर निश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या, किसे कहते हैं, जिन शब्दों का, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिणाम का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि जिन विशेषण शब्दों का, जिन विशेषण, जिन विशेषण शब्दों को, शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम का निश्चित परिमाण का बोध होता है, का बोध
होता है। निश्चित यानी कि कंफर्म, हमें पता है कितना है, यानी कि डाउट नहीं है, कंफर्म है हम यहाँ पर कितना है। तो यहाँ पर जिन विशेषण शब्दों से संख्या या सर्वनाम का निश्चित परिणाम का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, निश्चित उसे हम होता है उन्हें उन्हें निश्चित परिमाणवाचक निश्चित परिमाणवाचक परिमाणवाचक बो सॉरी निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर निश्चित बोध होता है संज्ञा या सर्वनाम के, क्या होता है, सर्वनाम का निश्चित परिमाण का बोध होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो उदाहरण से इसे हम जानेंगे बच्चों। यहाँ पर जैसे कि उदाहरण, निश्चित यानी कि कंफर्म, डेफिनेट, निश्चित यानी कि कंफर्म या फिर डेफिनेट। माँ ने 5 किलो चावल, माँ ने 5 किलो 5 किलो चावल खरीदे। माँ ने 5 किलो चावल खरीदे, माँ ने कितने किलो चावल खरीदे, माँ ने 5 किलो चावल खरीदे। तो नेक्स्ट रोमा, रोमा रोमा 2 लीटर दूध लाई है, 2 लीटर दूध लाई है। रोमा कितने लीटर दूध लाई है, रोमा 2 लीटर दूध लाई है, माँ ने 5 किलो चावल खरीदे। दूसरा उदाहरण क्या है बच्चों, दूसरा उदाहरण रोमा 2 लीटर दूध लाई है। इन दोनों वाक्यों में, यहाँ पर इन दोनों वाक्यों में 5 किलो चावल के लिए 5 किलो तथा 2 लीटर, ये क्या है, दूध को लीटर में नापा जाता है या नापतोल किया जाता है और चावल को किलो में, चावल को किलो में नापतोल किया जाता है। चावल कैसे लेते हैं, केजी से लेते हैं ना, तो दूध किस तरह लिया जाता है, दूध को लीटर से लिया जाता है। तो इन दोनों वाक्यों में, यानी कि पहले उदाहरण में और दूसरे उदाहरण में, इन दोनों वाक्यों में क्या है, 5 किलो चावल, 5 किलो तथा 2 लीटर, 5 किलो तथा 2 लीटर क्या है, क्रमशः चावल और दूध के लिए यहाँ पर क्या किया गया है, निश्चित मात्रा से, निश्चित मात्रा में बताया गया है, यानी कि यहाँ पर कंफर्म है। दूध कितना है, दूध 2 लीटर है, 2 है, यानी कि हमें कंफर्म है कितना है, यहाँ पर 2 लीटर है, क्रमशः हमें पता है, यानी कि चावल कितना है, चावल 5 किलो है, 5 किलो से ज़्यादा है नहीं, 5 किलो से कम है नहीं, तो कितना है, करेक्ट 5 किलो चावल यहाँ पर दिए गए हैं। तो 5 किलो चावल तथा 2 लीटर, ये क्या है, हमें यहाँ पर निश्चित मात्रा को बताते हैं। तो ऐसे हमें क्या कहते हैं, अतः ये सभी क्या है, निश्चित विशेषण, निश्चित वाचक विशेषण कहते हैं, परिमाणवाचक कहते हैं। समझ में आ गया ना, तो यहाँ पर 2 किलो 2 लीटर दूध 5 किलो चावल, ये क्या है, निश्चित है, ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं, यहाँ पर ये क्या है, संख्या निश्चित है। तो ऐसे वाक्यों को या फिर इसे, अतः ये क्या होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक कहलाते हैं। तो ये निश्चित से, यानी कि हमें कंफर्म नंबर देते हैं।
दो किलो चावल, चार किलो चावल, पाँच किलो चावल, दो लीटर, आधा लीटर दूध, हाँ ये है, ज़्यादा भी नहीं कम भी, कितना है पता नहीं। तो दूध कितना है हम यहाँ पर बता सकते हैं, दूध कितना है, दूध दो लीटर है। चावल कितना है, चावल पाँच लीटर है। तो ये क्या है, निश्चित मात्रा को बताते हैं, ये क्या करते हैं, निश्चित मात्रा को बताते हैं। ऐसे इसे हम क्या कहते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। समझ में आ गया ना बच्चों, ओके नेक्स्ट। दूसरा भेद, परिमाणवाचक का दूसरा भेद कौन सा है बच्चा, परिमाणवाचक का दूसरा भेद अनिश्चित, यानी कि उसका अपोजिट होता है। यहां पर अनिश्चित निश्चित परिमाण, परिमाण वाचक विशेषण, अनिश्चित यानी कि हमें यहां पर कितना है पता नहीं, अनिश्चित मात्रा, यहाँ पर निश्चित मात्रा और यहाँ पर अनिश्चित मात्रा को बताते हैं। जैसे कि जिन शब्दों का, जिन विशेषण शब्दों से इसकी जो यहाँ पर निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, यानी कि यहाँ पर निश्चित परिमाण का बोध होता है, लेकिन यहाँ पर निश्चित परिमाण का बोध नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अनिश्चित परिमाणवाचक कहते हैं। जिन विशेषण शब्दों का, जिन विशेषण शब्दों शब्दों से संख्या संख्या या सर्व सर्वनाम सर्वनाम का निश्चित निश्चित परिमाण का, निश्चित परिमाण का बोध नहीं होता है, परिमाण का बोध नहीं होता है, उन्हें उन्हें क्या कहते हैं, अनिश्चित अनिश्चित परिमाणवाचक परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यहाँ पर निश्चित है, यहाँ पर निश्चित नहीं है, हमें पता नहीं है कितना है, कितना है हमें पता नहीं है, ओके। यहाँ पर भी एक दो उदाहरण देंगे हम, जैसे कि दो उदाहरण दो बच्चे देखेंगे। दूध में कम चीनी डालना, 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 पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण, मुझे कुछ फल दो, मुझे कुछ फल दो, फ्रूट्स, मुझे कुछ फल दो। तो यहाँ पर इन दोनों वाक्यों में क्या कहा गया है बच्चों, यहाँ पर क्या है, दूध में कम चीनी डालना, कम, मुझे कुछ फल दो। तो यहाँ पर कुछ का उपयोग यहाँ पर किया गया। इन दोनों वाक्यों में देखो बच्चों, इन दोनों वाक्यों में कुछ तथा कम क्या हुआ है, यहाँ पर फल तथा चीनी के लिए उपयोग किया गया है।
कुछ तथा कम किसके लिए उपयोग किया गया है? कुछ फल के लिए, कम चीनी के लिए यहाँ पर इसका उपयोग किया गया है। फल तथा चीनी के लिए उपयोग किया गया है, तो यहाँ पर क्या है, निश्चित मात्रा नहीं है, यहाँ पर निश्चित मात्रा हमें नहीं बताता है, तो ऐसे इसे हम क्या कहते हैं, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। कुछ यानी के पता नहीं, ज्यादा या कम कुछ भी पता नहीं। कुछ फल दो, कितने फल दो, एक दो, दो दो, चार दो, छह दो, बारह दो, तो यहाँ पर एक नंबर क्या होता है, निश्चित होता है, निश्चित मात्रा होती है। लेकिन इस वाक्य में क्या हो गया है बच्चों, यहाँ पर निश्चित मात्रा का यहाँ उपयोग नहीं किया गया है, तो ये क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। कुछ और कम, कम चीनी डालो, कितनी, एक चम्मच, दो चम्मच, चार चम्मच, तीन चम्मच, कितनी चम्मच डालो, या बगैर चम्मच, एक बगैर चीनी, तो यहाँ पर भी चीनी की मात्रा निश्चित नहीं दी गई है, तो इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जहाँ पर निश्चित मात्रा का उपयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जहाँ पर निश्चित मात्रा का उपयोग नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। समझोगे तो बहुत ईजी है बच्चों, कन्फ्यूज मत कर लो। यहाँ पर सिर्फ क्या करना है, निश्चित यानी कि हमें पता है यानी कि यहाँ पर मात्रा कितनी है, अनिश्चित में यानी कि हमें कंफर्म नहीं है यहाँ मात्रा कितनी है, ये हमें पता नहीं, यानी कि यहाँ पर डाउट है, यानी कि यहाँ पर कंफर्म है। इतना फर्क जान लो तो आपको ये समझ में जल्दी आ जाएगा, कंफ्यूज मत कर लो, ओके। तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के कितने भेद हैं बच्चों, परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक में यहाँ पर मात्रा की क्या की जाती है, यहाँ पर सही मात्रा को बताया जाता है। अनिश्चित विशेषण में क्या होता है बच्चों, यहाँ पर क्या होता है, निश्चित मात्रा को नहीं दिया जाता, निश्चित मात्रा को यहाँ पर नहीं दिया जाता है, यानी कि यहाँ पर डाउट होता है, कम चीनी डालो, कुछ फल दो, हाँ, तो इस तरह के अनिश्चित है ये सभी, यहाँ पर इसे अनिश्चित परिमाणवाचक किया कहा जाता है। समझ में आ गया ना बच्चों, तो हम क्या करेंगे इसे, तो आशा करती हूँ कि आज का ये क्लास समझ में आ गया है बच्चों। ये विशेषण का तीसरा भेद है, ये क्या है, विशेषण का तीसरा भेद है। आज तक यहाँ तक यानी कि आज तक तीन क्लासेस हो चुके हैं विशेषण के बारे में, आज का ये तीसरा भाग है, आज का ये तीसरा भाग है, और तीसरे भेद के बारे में आज हम आपको यहाँ पर समझाया गया है, तो इसे आपको क्या करना है, लिखना है और पढ़ना है और इसे समझ भी लेना है, ओके। समझ में आ गया ना बच्चों, तो जो लास्ट का भेद है उसे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में उसका अध्ययन करेंगे। आज का एक क्लास यहीं पर समाप्त होता है बच्चों, फिर हम चौथे भेद को लेकर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।